सरकारी सिस्टम की खस्ताहाल सड़क के कारण गर्भवती महिला की आंटों में हुई डिलीवरी, सिस्टम की पोल खोलती तस्वीर सोशल मीडिया में हुई वायरल। बता दें कि रीवा जिले के चाकघाट थाना स्थित बरुआ ग्राम पंचायत से सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों को देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आप विकास से कोसों दूर हैं। यहां पर एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद उसे एम्बुलेंस सहारा नहीं मिला, जिसके बाद परिजन उसे गांव के ही ऑटो से चाकघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा था। लेकिन खस्ता हाल सड़क होने के चलते महिला को रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई, जिसके चलते ऑटो के अंदर ही उसने बच्चे को जन्म दिया। हालांकि डिलीवरी के बाद मां और उसका नवजात बच्चा दोनों ही सुरक्षित है। स्वास्थ्य महकमे का पोल खोलने वाला ये मामला रीवा जिले के चाकघाट स्थित ग्राम पंचायत बरुआ का है। यहां पर रहने वाली एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एम्बुलेंस की सहायता मांगी, लेकिन जिम्मेदारों ने अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया। प्रसव पीड़ा बढ़ती देख परिजनों से महिला का दर्द नहीं सहा गया, जिसके बाद घर वालों ने गाँव के ही ऑटो चालक से संपर्क किया। कुछ समय बीत जाने के बाद परिजन महिला को लेकर ऑटो से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाकघाट ले जाने लगे, लेकिन रास्ता जर्जर और बरसात के कारण कीचड़ से सने होने के चलते गर्भवती महिला रास्ते में ही प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद रास्ते में ऑटो के अंदर ही उसकी डिलीवरी करवाई गई। इस दौरान महिला ने बच्चे को जन्म दिया और अब माँ और बच्चे दोनों ही सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं पास ही खड़े किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस मामले पर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह का कहना है कि इस मामले की सूचना अब तक उन्हें नहीं मिल पाई है, लेकिन जिले में दो दिनों के अंदर अधिक वर्षा हुई है। यदि कोई ऐसी स्थिति है और उसमें कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। वहीं खस्ताहाल सड़क को लेकर अपर कलेक्टर ने कहा कि अगर कहीं खराब सड़क होने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी मरम्मत के कार्य के लिए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं। प्रस्तुत है रीवा अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी का अंश। यहाँ के बारे में कुछ बताइए आप। बहरा के कारण यहीं पे डिलीवरी हो गई तो मैं क्या करूं, ऐसा बहरा के कारण एम्बुलेंस भी नहीं आ पाई तो क्या करूं। यहाँ की ग्राम बरुआ की है, हम आशा है सर, ये बताइए रोड के कारण डिलीवरी रास्ते में हो गई, हम कैसे लेकर जाए। आशा को इतने सामना करना पड़ता है कि अब ये रास्ते के कारण हम लोग कैसे लेकर जाए। डिलीवरी यहाँ रास्ते पर हो गई, अब हम लोग कैसे जाए, एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं आती है फोन करने में रास्ते के कारण। आप लोग कुछ करते ही नहीं है कार्रवाई के, कम से कम रास्ते तो बनवा दीजिए। देखिए इस तरह की कोई सूचना हम लोगों के पास तो नहीं है, लेकिन वर्षा वगैरह की स्थितियां हैं और जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वर्षा कुछ अधिक मात्रा में हुई है पिछले दो तीन दिनों में, तो यदि कोई ऐसी स्थिति पाई जाती और यदि उसमें कोई कर्मचारी का दोष पाया जाता है तो फिर विधिवत तौर पर कार्रवाई कर। हाँ, यदि कोई ऐसी स्थिति है कि हमारे शासकीय प्रशासन या सिस्टम में कोई गलती होने के कारण ऐसा हुआ है तो जो उत्तरदायी होंगे। जी हाँ, सड़क मरम्मत का कार्य जैसे ही ये मतलब हम लोगों को ऐसी स्थितियाँ या कहीं से भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो वहाँ पर कार्य करने के निर्देश कलेक्टर साहब ने संबंधित विभागों को दिए हैं।